जय माताजी। मित्रों, गम्मे एवा सांभळी ना रो, दादर खरजू ऊंदरी माथा में गुमड़ा थवा कोईपण जगह शरीर में शरीबी गाढ़ थी गई हो तेवामा आ वनस्पति बेस्ट में बेस्ट वनस्पति से। एवा बीजा रोग आपणे कहीए तो आधा शीशी झेरी जीवजंतु के मधमाखी कांडर एवं कोई करड़ू हो तो तेवामा पण आ खूब ज उपयोगी से। पण मित्रों, आना आपणे उपयोग करी ते पहला आनो परिचय अने आनी ओळख करवी खूब जरूरी है। तो मित्रों, जे कुवाड़ियों से तेना पान तण तणनी जोड़ में होय छे अने तेनी छींग लांबी पतली होय छे। पछी एना बी छे ने ए आपणे मेथीना दाणा जेवा लागे छे तो तेने आपणे कुवाड़ियो कही छे। अने एवी कुवाड़ियानी जेवी आपणा गुजरात में घणी कुवाड़ियाने मळती जात छे जेने आपणे कुवाड़ियो समझी छे। जे चार चारनी जोड़मां पान होय, कोई पांच पांचनी जोड़मां पान होय, पण तण तणनी जोड़मां पान होय ने एने ज मित्रों आपणे कुवाड़ियो कहेवामां आवे छे। एवो हुं तमने आ विडियोमां बतावुं छुं कि जे तमने देखाय छे ते आ कुवाड़ियो नथी। मित्रों, कुवाड़िया जेवो लागे छे पण कुवाड़ियो नथी, आने आमरेस कहेवाय छे। एटले कुवाड़ियाने तण तण होय छे पांदा, आ आमरस छे एटले आने चार चारनी जोड़मां होय अने आनी सींगो पण नानी नानी होय छे। तो मित्रों, हवे आपणे आना उपयोग विशे वात करीए के कोईने दादर थई होय तो कुवाड़ियाना मूळ ने खांडी ने तेमां लींबूनो रस नाखी ने दादर ऊपर लगाड़वामां आवे तो સારામાં સારું કામ આપે છે મિત્રો। તો એવો બીજો ઉપાય હું તમને કહું, ખરજવા પર તો કોઈ પણને ખરજવું થયું હોય તો તમારે કુવાડિયાના બીને છાશમાં બે દિવસ પલાળવાના અને ત્યાર પછી તેને ખાંડી વાટી પછી ખરજવા પર લગાડવાથી મિત્રો ખરજવું મટે છે। આ વિડિયો જો સારો લાગ્યો હોય મિત્રો તો એક લાઇક જરૂર કરી દેજો અને હા, ચેનલ પર નવા હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો જેથી કરીને આવા જ આયુર્વેદને લગતા તમામ વિડીયો તમને મળતા રહે। તો મિત્રો, હવે મળીશું આપણે આગલા વિડીયોમાં।